हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हर एक साल की तरह इस साल भी हम लोग छठ पूजा में बहुत आनंद लिए हैं। उसका कुछ झलक इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं। छठ पूजा के दिन सुबह 4 बजे मुझे उठना पड़ा। कुछ समय के अंदर फ्रेश होकर मैं चल पड़ा पूजा के लिए। पूजा में जाने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटमेंट था। सुबह 5 बजे का टाइम है, लगभग रात था क्योंकि ठंडा का मौसम है। आप देख पा रहे होंगे उस टाइम में कितना भीड़ है। हर कोई गंगा नदी के किनारे जा रहे हैं पूजा के लिए। ये पूजा शाम के टाइम होता है, सूर्य अस्त होने से पहले, और उसका नेक्स्ट डे सुबह सूर्य उदय तक ये पूजा होता है। जब सूर्य उदय हो जाता है उसके बाद ये पूजा खत्म हो जाता है। ये पूजा हर एक साल में लगभग 2 बार होता है। ये पूजा बिहार का फेमस पूजा है। आजकल हिंदू धर्म के हर एक जात के लोग, हर एक भाषा के लोग ये पूजा करते हैं। मैं जो ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली कोलकाता भद्रेसर लोकेशन, मतलब जिला हुगली का भद्रेसर लोकेशन का जो घाट है गंगा घाट, वहां का ये वीडियो है। ये पूजा हर एक साल लगभग नवंबर महीना में वेस्ट बंगाल का भद्रेसर से लेकर चंदनगर तक एक एरिया है, वहां तक जगदात्री पूजा फेमस पूजा होता है, लोकल पूजा है। उनका सप्तमी के दिन ये छठ पूजा किया जाता है। इस वीडियो के बाद मैं जगदात्री पूजा का भी वीडियो इस चैनल में छोड़ूंगा, देखना मत भूलिएगा। सिर्फ वही नहीं, हर एक टाइप का वीडियो, खाने का वीडियो, कोई जगह घूमने का वीडियो, हर एक वीडियो का लिंक मेरे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको किस तरह लगा, और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल की नया सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा बेल आइकन को क्लिक करके। इसमें मुझे और भी मोटिवेट मिलता है, अच्छे से अच्छा वीडियो मैं इस चैनल में छोड़ता हूँ खास आप लोग के लिए। चलिए वीडियो का पूरा आनंद लीजिए। कहा जाता है भद्रेसर लोकेशन का ये सबसे बड़ा घाट है। हर एक जगह से लोग इस नदी घाट में, गंगा नदी किनारे आते हैं पूजा के लिए। यहाँ पर तेलनीपड़ा घाट, भद्रेसर का जो गंगा घाट, जगन्नाथ घाट, पूरा सब घाट मिला जुला है। हर एक लोकेशन के आदमी लोग यहाँ पर पूजा के लिए आते हैं। देखते देखते सुबह हो गया।
बस कुछ ही मिनटों में सूर्य उदय होगा, उसके बाद ये छठ पूजा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आसपास का जो लोकेशन का जो डिजाइन है कितना सुंदर है और कितने भरपूर है। हर एक टाइप का चीज आपको खाने के लिए भी मिलेगा, जिस तरह लगता है एक मेला हुआ है। आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहा है। इसके हिसाब से जो वीडियो में बनाया हो, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। उसके बाद ये पूजा लगभग शेष हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वीडियो के अंदर एक साथ कैप्चर करना भी मुश्किल होता है। मैं एक पार्ट दिखा रहा हूँ, एक जगह दिखा रहा हूँ भीड़ का। इस तरह बहुत ही बड़ा जगह है यहाँ का। हर एक साल में बहुत ही एक्साइटमेंट रहता हूँ ये पूजा देखने के लिए। सूर्य उदय होने के बाद आप देख पा रहे होंगे हर एक जन का पूजा खत्म हो गया, वो लोग अपने घर की ओर बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आप भी घर बैठे इस वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट बताइएगा ये वीडियो आपको किस तरह लगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हर एक आदमी को जिसको इस तरह वीडियो का खास ज़रूरत है। अगर मेरे चैनल का नया सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा बेल आइकन को क्लिक करके, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो हर एक वीडियो मेरे चैनल का जब भी मैं अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन के हिसाब से जाएगा। मुझे और भी मोटिवेट मिलेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो मैं इस चैनल में छोड़ूंगा। हर एक टाइप का वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जगदात्री पूजा, जो भद्रेश्वर से लेकर चंदनगर तक फेमस पूजा है वेस्ट बंगाल का। छठ पूजा के दौरान जो मैं फोटो उठाया था उसका कुछ नमूना आप देख पा रहे होंगे लास्ट में मैं रखा हूँ। मैं अपने फैमिली और दोस्त लोग के साथ बहुत ही आनंद लिया हूँ इस छठ पूजा में। धन्यवाद मेरे वीडियो को इतना समय तक देखने के लिए। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। छठ पूजा का हार्दिक हार्दिक शुभकामना आप सबको।